दोस्तों मैं नीरज और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड, फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 15 मई है, यानी कि तेज़ अभी जो गर्मी है वो यहाँ पे अभी पड़ रही है। तो इतनी तेज़ गर्मी में फ्रेंड्स, आप कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी आप जो कटिंग है वो आप इजीली से जो है लगा सकते हैं। खासतौर पे जो नए गार्डनर्स हैं, अगर वो इस तरह की कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो ये जो सीज़न है इतनी तेज़ गर्मी में आप जो कटिंग्स हैं वो इजीली से यहाँ पे लगा पाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, जो सारे प्लांट्स हैं जो अवेलेबल मेरे पास अभी मेरे गार्डन में जो अभी हैं वही आपको मैं दिखाऊँगा। तो ये सारे जो कटिंग्स हैं आप इजीली से जो है ग्रो कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो आती है देख सकते हैं आप जो है कोलियस की कटिंग। तो आप कोलियस की कटिंग वो इजीली से आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है मैं कहूँ कि विंटर का प्लांट है, विंटर में जो है बहुत अच्छे से तेज़ी से ग्रो करता है और इसमें जो है आपको कलर्स भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। गर्मी में जो प्लांट है तो इनके धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, झुलस जाते हैं, तो इनको जो है ठंडा वातावरण चाहिए। आप इसको इंडोर में ग्रो करेंगे तो इजीली से आपको ये ग्रो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कटिंग है वो आप इजीली से यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी जो कटिंग है आप कहीं से भी इतनी जो स्टेम है आप तोड़ के इजीली से इसकी आप कटिंग ग्रो करेंगे तो वो इजीली से यहाँ पर ग्रो हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर जितनी भी कटिंग्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो कटिंग्स है सारी आप जो है पानी में लगा पाएंगे। इन जो कटिंग है आप पानी में इजली से ग्रो कर सकते हैं, तो इजली से आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, और देखिए जो इसके अलावा नेक्स्ट जो कटिंग है वो देख सकते हैं, इस तरह से भी क्या होगी देखते हैं। बैटल लीफ यानी जो है पान का पत्ता, इसकी जो बेल है इसकी भी जो आप कटिंग है इजली से जो है पानी में आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो कटिंग है वो भी इजली से यहाँ पे लग जाती है। और फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे, जैसे कि मनी प्लांट्स में इस तरह से जो आप देखेंगे जो साइड से इस तरह से छोटी सी जो है एरियल रूट्स निकलती हैं, तो इसको अगर कट करके जो ग्रो करेंगे तो वाटर में बड़ी इजली से यहाँ पे तेज़ी से ग्रो कर लेते हैं, अपनी रूट्स बाहर निकल लेते हैं, तो उसकी कटिंग इजली से लग जाएगी। और देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लांट अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए जो है मनी प्लांट, तो मनी प्लांट जो है गर्मी में बहुत अच्छे से तेज़ी से ग्रो करता है और विंटर्स के लिए थोड़ा क्या डॉर्मेंसी पीरियड यहाँ पर रहता है। तो इसकी जो कटिंग है वो भी इजीली से आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग में भी आप देखेंगे इस तरह से जो इसमें पे छोटी छोटी रूट्स है एरियल रूट्स वो निकलती हैं, तो इसकी जो स्टेम में कटिंग नोड एरिया से कहीं से भी आप कट करके जो है पानी में ग्रो करेंगे तो इसकी जो भी कटिंग है वो इजीली से आपकी लग जाएगी। और देख सकते हैं जो नेक्स्ट प्लांट है वो देख सकते हैं, ये है मैक्सिकन पेटोनिया, जिसमें इस तरह से जो है पर्पल कलर के जो फ्लावर निकलते हैं। ये गर्मी में बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रोथ करता है, तो ये प्लांट भी जो है आप इसकी जो कटिंग है बड़ी इजीली से ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी जो कटिंग है देखिए, ये भी जो है आपको नोड एरिया से जो है इसकी स्टेम है वो आपको कट करनी है और पानी में आप इसको डिप कर दीजिए तो इसकी जो कटिंग है इसकी जो रूट्स है वो आपकी जल्दी से निकल जाती है। लेकिन जो आपको स्टेम यहाँ पर लेनी है तो देखिए इस तरह से जो है ग्रीन शूट यानी कि जो है वो आपको लेनी है। सेमी वुड या जो पुरानी जो ओल्ड है वो आपको स्टेम इस तरह से सिलेक्शन नहीं करना है, तो इस तरह से जो न्यू स्टेम है उसी की जो आप ग्रो करेंगे तो ये जो है पानी में इजली से इसकी जो रूट्स है वो निकल जाती हैं। और फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि नेक्स्ट प्लांट जो आप देख सकते हैं ये है कनेर, तो कनेर की जो कटिंग है वो भी आप जो है पानी में ग्रो कर सकते हैं। तो उसकी जो देखिए आपको जो है ग्रीन शूट नहीं लेनी है, इसकी जो आपको कटिंग लेनी है थोड़ी सी क्या हो कि सेमी वुड टाइप की जो है कटिंग इसको लेनी है और उसकी जो है पानी में इसकी जो कटिंग ग्रो कर पाएंगी तो उसकी जो कटिंग है वो भी पानी में लग जाती है और चाहे तो मिट्टी में रह जाती है। लेकिन जितनी भी मैं आपको सारी कटिंग दिखा रहा हूँ ये सारी जो कटिंग्स है आप पानी में इजीली से इन सबको ग्रो कर सकते हैं। तो इनमें बहुत सारी वैरायटीज आती है, तो कोई भी कटिंग है जो आप इस तरह से पानी में ग्रो कीजिए। तो फ्रेंड देखिए, जो नेक्स्ट प्लांट है वो देख सकते हैं ये है सिंगोनियम, तो सिंगोनियम की प्लांट की जो कटिंग है वो भी इजली से पानी में जो है सर्वाइव कर जाती है और रूट्स अपनी निकाल लेती है। तो इसमें भी देखिए इस प्रकार से जो क्या होंगे एरियल रूट से अपनी निकालता है, तो आप इसकी जो कटिंग करके जो है पानी में ग्रो करते हैं तो ये भी इजली से आपको जो है ग्रो हो जाता है। तो इसमें भी देखिए दो कलर आपको देखने को मिलते हैं, इसमें जो है एक रेड कलर देखने को मिलता है और इस तरह से जो है ग्रीन कलर, तो कोई भी कटिंग है जो आप इस तरह से जो है पानी में ग्रो कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, जो नेक्स्ट प्लांट क्या होंगे ये जो है विंटर के प्लांट्स है गुलदाउदी की, ये जो है इनकी जो कटिंग है आप ये भी बड़ी इजीली से यहाँ पे जो है पानी में इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। और देखिए सारे विंटर्स के हैं, तो विंटर्स में बहुत ही अच्छे से है जो हैवी फ्लू ब्लूमिंग ये करते हैं सारे प्लांट्स। और समर्स में देखिए जो हम सबको जो है इंडोर में रख देते हैं और ये जो है अपना यहाँ पर जो जीवन है अभी समर्स में यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। और देखेंगे इस पर जो है इस समय पर भी बर्ड्स बनी है, तो इसमें भी जो समर्स में फ्लावरिंग यहाँ पर कर देते हैं। तो इनकी जो कटिंग है तो इनकी कटिंग भी इस समय पर जो आपको पानी में ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी जो कटिंग आपको लेनी है थोड़ी सेमी वुड टाइप की जो इसकी कटिंग आपको लेनी है, पूरी ग्रीन शूट भी नहीं लेनी है, तो ये भी जो है बड़ी इजीली से आपका जो है पानी में लग जाएगा। और फिर इसके अलावा देखिए इस तरह से मैं कहूँगा जो मॉन्स्टेरा प्लांट रहता है, यानी कि जिसकी जो लीफ आप देखें काफ़ी इस तरह से बिग साइज़ की रहती है और सारी जो है पत्ते कटावदार रहती है, तो इसके जो प्लांट्स के अगर इसकी भी आप जो कटिंग पानी में ग्रो करना चाहेंगे तो इसकी जो कटिंग वो भी इजीली से पानी में ग्रो हो जाती है, क्योंकि इसकी जो स्टेम पर आप देखेंगे तो इस तरह से भी जो है छोटी छोटी जो है एरियल रूट्स देखने को निकल मिलती हैं। तो इसी जो आप स्टेम को कटिंग करके पानी में ग्रो करेंगे तो ये प्लांट भी बड़े इजीली से यहाँ पर आपका ग्रो हो जाएगा। और ये समर्स में बहुत ही प्यारे से जो है लगते हैं, आपकी गार्डन के घर की शोभा को बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं, देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, इस तरह से ग्रीन कलर ये आपकी पूरी बिखारते हैं ये।
और फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है देखेंगे ये मोगरा, तो मोगरा की जो कटिंग है वो भी पानी में आप ग्रो कर सकते हैं। तो उसकी जो कटिंग है देखिए वो क्या ग्रीन शूट इस तरह से आप जो ले लीजिए, तो इस पर भी देखेंगे तो इस तरह से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं। तो आप इसकी जो नोड एरिया से कट करेंगे और पानी में डिप कर देते हैं, तो देखिए ये भी जो अपनी रूट्स निकाल लेते हैं, कभी कभार जो इसकी स्टेम गल जाती है और इसकी जो है स्टेम भी क्या ग्रो हो जाती है। तो आपकी जो इसकी बिल्कुल इस तरह से क्या जो पुरानी जो ओल्ड स्टेम है वो नहीं लेनी है, ग्रीन शूट लेना है जिसके ऊपर इस तरह से जो है छोटी छोटी जो है रूट्स बनी होंगी। तो आप इसको कट करके पानी में ग्रो कर लीजिए, बड़ी जल्दी से ये ग्रो हो जाएंगी। और फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है ये क्या हुआ गार्लिक वाइन यानी जो है लहसुनिया बेल, तो इसकी जो कटिंग है वो भी आप जो है पानी में ग्रो कर सकते हैं। तो उसकी जो है थोड़ी सेमी वुड टाइप की जो है आपको कटिंग लेनी है, जो कि आप देखेंगे हल्के हल्के जो ब्राउन कलर जो है होने लगता है, तो आप इसकी जो स्टेम है वो पानी में ग्रो कर सकते हैं, तो वो भी इजीली से यहाँ पे ये ग्रो कर जाती है। और इसके अलावा देखिए कहेंगे कि पिंक अलमंडा, तो अलमंडा में येलो और जो पिंक कलर दोनों ही कलर मिलते हैं, तो इसकी जो कटिंग है वो भी आप इजीली से पानी में ग्रो कर सकते हैं। ये भी बड़े इजीली से यहाँ पे इसकी कटिंग लग जाती है पानी में, आप दोनों से कोई भी जो कटिंग आपके आसपास हो तो कटिंग लेके जो इसकी ग्रो कर सकते हैं। और देखिए जो नेक्स्ट प्लांट आपको दिखा दूँ तो ये है चमेली का प्लांट, यानी चमेली जो है आप व्हाइट वाली लीजिए या फिर जो है येलो वाली लीजिए, तो इसकी भी जो कटिंग है बड़ी से आप ग्रो कर पाएंगे। तो इसके लिए भी फ्रेंड्स आप देखिए क्या होंगे समर्स में बड़ी अच्छे से ग्रो करती है और फ्लावरिंग्स में होती है, तो इसमें भी जो आप देखेंगे जो इसके स्टेम रहती है देखिए इस तरह से जो एरियल रूट्स निकलती हैं छोटी छोटी स्मॉल, ये देखिए इतनी सारी रूट्स इसकी निकली है। अगर इससे को आप जो कट करके मिट्टी में या जो है पानी में डिप कर देंगे तो फ्रेंड्स इसकी जो रूट्स है ये अपनी ग्रोथ कर लेगा और जल्दी से ये आपकी जो बेल है वो भी आसानी से लग जाती है। और फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट बेल है ये क्या होगा कि राखी बेल है यानी कृष्ण कमल और कई नाम से जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको बेल को जो आप इजीली से ग्रो कर सकते हैं, तो ये जो आपको कोई भी कलर आपको मिल जाए, इसमें जो तीन कलर देखने को मिलते हैं वाइट पिंक और इस तरह से जो है पर्पल ब्लू कलर, ये मेरे पास है। तो देखिए इसकी जो कटिंग है वो इजीली से लग जाती है, तो इसकी कटिंग्स भी आपको देखिए जो को करनी है वो कैसे करनी है, तो इसकी जो बिल्कुल ही आपको जो है हार्डवुड जो है स्टेम नहीं लेनी है, बिल्कुल ग्रीन शूट भी नहीं लेनी है, तो इस तरह से जो सेमी वुड आप कहेंगे जिस पर हल्का वैसे ब्राउन कलर भी आना शुरू होता है, तो उसकी जो कटिंग्स है वो आप ग्रो करके लगाते हैं पानी में, तो वो भी जो है जो रूट्स है वो बाहर यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो उसकी जो कटिंग है वो भी इजीली से आप जो है लग पाएगी। और देखिए इस तरह से जो मैंने आपको बताया था ये है अलमंडा येलो वाला, तो इसकी जो कटिंग है वो भी इजीली से आपकी लग जाएगी। इस फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या करना है देखिए इसकी जो बिल्कुल जो ग्रीन शूट रहती है वही आपको लेनी है और नोड एरिया जो इसको पानी में आप डिप कर दीजिए, तो इसकी जो कटिंग है वो इजीली से आपके यहाँ पे लग जाती है। और फ्रेंड्स देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ समझ के बहुत ही प्यारी सी जो वाइन है तो जिसमें फ्लावर आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं घंटी नुमा, तो इसकी जो कटिंग है देखिए इसे भी आप जो इजीली से लगा सकते हैं। तो ये है टिकोमा की बेल, तो टिकोमा की बेल भी जो आप इजीली से लगा पाएंगे। फ्रेंड्स इसके भी देखिए आप जैसे जो ऑड से हम देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स इस पर जो है तरह से एरियल रूट्स इसकी निकलती हैं, तो इसकी भी जो आप कट करके अगर पानी में डिप कर देंगे तो वो भी इसकी जो कटिंग है इजीली से आपकी लग जाएगी। तो इसकी जो बेल की कटिंग है वो भी आप लगा सकते हैं, समझ में बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करती है, बहुत ही प्यारी इसके जो फ्लावर्स है देखने आपको लगते हैं। और फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट बेल है वो आपको दिखाऊंगा मैं इस तरह से ब्लीडिंग हार्ट, तो ब्लीडिंग हार्ट की बेल है वो भी समझ में बहुत प्यारे से फ्लावरिंग करती है, जिसमें जो फ्लावर है आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत इसमें जो है वाइट और देखिए जो रेड कलर के फ्लावर इसमें इस तरह से निकलते हैं, काफ़ी खूबसूरत ये लगते हैं। तो उसका फ्लावर ही नीचे गिर गया, तो फ्रेंड इसमें जो फ्लावर है काफ़ी खूबसूरत लगते हैं जो अंदर से रेड कलर की इस तरह से आप देखेंगे, तो काफ़ी प्यारा जो फ्लावर इसका निकलता है। और इसकी जो कटिंग है वो भी आप इस तरह से जो सेमी वुड की आप कटिंग लेनी है और पानी में डिप करके रखेंगे, तो फ्रेंड्स ये जो सारी कटिंग है हफ्ते से 10 दिन में या 12 दिन में जो अपनी जो रूट्स इन पर निकाल लेती हैं, तो इस तरह से सारी कटिंग से आप जो समझ में इतनी गर्मी में भी आप जो है ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे कुछ प्लांट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिनकी सबकी जो कटिंग है आप इजीली से जो है ग्रो कर सकते हैं, और इनके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं लेकिन मैं आपके साथ यही प्लांट शेयर करूँगा, इन सबकी जो कटिंग है आप इजीली से लगा पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी जो आज की वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।